झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बोकारो में दो दिवसीय भैरव महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। सबसे पहले राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वो सीधा भैरव मंदिर पहुंचे और भैरव बाबा का आशीर्वाद लिया। अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि भैरव मंदिर चौथी सदी से पौलिकरी चंदन कियारी में स्थापित है और आज हम सब 21वीं सदी में हैं। साथ ही कहा कि झारखंड कला संस्कृति से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ के मंदिर, प्राकृतिक सौंदर्य, कला संस्कृति अन्य राज्यों से भिन्न है। इसके बाद कहा कि यहाँ के पर्यटन स्थल के प्रचार प्रसार की जरूरत है और राज्य सरकार के पर्यटन स्थलों को विकसित कर रही है। संख्या में लोग आते हैं, इसके संदर्भ में अधिक से अधिक लोग अवगत हो, इसी के लिए ये जो महोत्सव आज चौथा साल हुआ हो गया आप पालन करते हैं। जैसे कि यहाँ माननीय मंत्री ने बताए हैं, केवल भैरवनाथ महोत्सव नहीं है, ये माननीय मंत्री इस विभाग के दायित्व लेने के बाद राज्य में जितने भी इम्पोर्टेंस मंदिर हैं वहाँ इस तरह के महोत्सव मनाया जाता है। और ये राज्य हम जानते हैं कि संस्कृति संपन्न राज्य है, यहाँ पर्यटन क्षेत्र भरा पड़ा है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार के अभाव से लोग इतने दौरा करने के लिए नहीं आते। ये गवर्नमेंट में जितने भी मंदिर हैं वहाँ इस तरह के महोत्सव तो मनाया गया है, फिर भी नया नया जो पर्यटन क्षेत्र है उसको भी और विस्तार करने के लिए प्रयास किया गया। मौके पर चंदन कियारी विधायक सहमंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। राज्य की प्रथम महिला पहली बार चंदन कियारी की धरती पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने तीन बार हमारा आमंत्रण स्वीकार कर चंदन कियारी की जनता को अनुग्रहित किया। और सबसे ये आग्रह करता हूँ कि पिछले तीन वर्षों के बाद ये चौथा वर्ष हम लोग करने जा रहे हैं, ये भैरवनाथ महोत्सव के माध्यम से इस भैरव बाबा के महात्मा को देश दुनिया के अंदर प्रचारित करने के लिए अपने स्थानीय कलाकारों के साथ साथ जो अपने देश के अंदर बड़े कलाकार हैं उनको इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए ऋतुराज हम लोगों का इस मंच से आगे बढ़ करके आज बॉम्बे में खिलखिला रहा है, ऐसे नए नए कलाकारों को मौका देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन कला संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और अपना युवा कार्य विभाग ने प्रारंभ किया है। और यहाँ सिर्फ भैरवनाथ महोत्सव ही नहीं, वो इटखोरी का महोत्सव हो, चाहे रजरप्पा धाम का महोत्सव हो, चाहे बंसीधर का महोत्सव हो, चाहे राम रेखा धाम का महोत्सव हो, चाहे रंगनी महोत्सव हो, चाहे हिजला महोत्सव हो, ऐसे तमाम महोत्सवों के माध्यम से अपने झारखंड के अंदर रहने वाले पर्यटक के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से जो हमारे क्षेत्र है, हमारे यहाँ के जो महत्व है वो देश दुनिया के सामने लाने का हम लोगों ने प्रयास। उन्होंने बताया कि पिछले पाँच वर्ष में चंदन कियारी सहित राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों पर महोत्सव शुरू किया गया है ताकि झारखंड के साथ साथ पूरा देश और विश्व के मानचित्र पर झारखंड को जान सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।